हेलो, कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स में। आई विश सभी का दिन आज का अच्छा रहा होगा। एंड बिल्कुल टफ दिन था, प्री डिफाइंड था कि टफ दिन है और रहेगा भी, कल भी रहेगा। बिल्कुल टफ रहेगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और गेम जो है दोनों साइड रहेगा, अप साइड भी एज वेल एज डाउन साइड भी। मैं कंटिन्यूअसली अपडेट करता रहा इसके रिगार्डिंग कि भाई थोड़ा संभाल के, आज का दिन कैश मार्केट के लिए बड़ा टफ है। एज वेल एज ऑप्शंस तो बिल्कुल बहुत तेजी से प्रीमियम डाउन करेंगे ही करेंगे, बड़ा संभाल के प्ले करना है। और थोड़ी सी मतलब बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी लास्ट टाइम में देखी गई, दोनों साइड से मतलब सर्वाइव करना ऐसा था कि बिल्कुल टफ। लेकिन ट्रेड्स अच्छी रही हमारी और जो बुरी रही उनको भी रिव्यू करेंगे, जो अच्छी रही उनको भी रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 की फर्स्ट ट्रेड थी मेरे पास भारतीय एयरटेल, मतलब फुल टू बहुत जबरदस्त मूवमेंट के साथ में अप डाउन कर रहा था। अगर आप इस ट्रेड के थ्रू जाएंगे और अगर आप मेरे टेलीग्राम के चैनल से कनेक्ट नहीं है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा आपको स्टॉप लॉस हुआ है हिट, क्योंकि ये 496 से प्लस का लेवल बनाया था, शायद 491 एग्जीक्यूट होने के बाद। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने इस ट्रेड को रिफाइन किया था या बोल सकते हैं कि अल्टर किया था। 493 से हमने इसको सेल एग्जीक्यूशन किया था और टारगेट था हमारा 487, 488 हिट किया, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स आ गए इजीली। और स्टॉप लॉस हम यूज कर रहे थे 497 जो कि हिट नहीं हुआ। और मैं इस वाले लेवल के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि 491 एग्जीक्यूशन के बाद एसएल टच किया है या नहीं, तो प्लीज एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा मुझे शायद लगा, ये मैं 493 और 491 लेवल में कंफ्यूज हूँ। 493 लेवल एग्जीक्यूट करने के बाद 496 गया लेकिन 497 नहीं गया, सो 488 यहाँ हिट किया। नेक्स्ट टारगेट टेक महिंद्रा, ब्यूटीफुल ट्रेड किया, बहुत ही बेहतरीन हिट, दोनों टारगेट्स इजिली टेक महिंद्रा में मिल गए। तो 6 पॉइंट्स तो इजिली टारगेट जिसने पेशेंस के साथ में, मैं कंटिन्यूअसली अपडेट कर रहा था टेक महिंद्रा पे कि बने रहिए बने रहिए बने रहिए, 799 के ऊपर रहेगा, बहुत अच्छा मूवमेंट देगा और बहुत ही अच्छी बेहतरीन ट्रेड रही टेक महिंद्रा। लैंडमार्क तो मतलब ब्यूटीफुल, फुल टू हिट, बहुत बढ़िया हिट। इतने टफ मार्केट में दो तीन ट्रेड हमने बड़ी बेहतरीन निकाल ली, बहुत अच्छी रही। और रिलायंस बहुत बेहतरीन ट्रेड थी लेकिन फुल टू मैनिपुलेटेड रहा, 10:30 बजे के आसपास रिलायंस एग्जीक्यूट हुआ था 1478 के पास से और टारगेट इजिली 1486 इसने हिट किया था, बहुत अच्छी रिलायंस ट्रेड रही। मल्टीपल टाइम्स ये 1477 से अप किया, 1477 से डाउन किया, मल्टीपल्स बोल सकते हैं कि एंट्री मिल गई होंगी, मल्टीपल्स टाइम डाउन भी आया, लेकिन ये क्लीन हिट थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1478 से 1486 बहुत बेहतरीन टारगेट हिट हुआ। एंड एलएनडी बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड थी, 1351 से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 1352 से एग्जीक्यूशन हुआ। और अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज है इस मामले में कि एक आध पॉइंट कैसे मिस हो गया तो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। 1391, अगर 1353 से भी एलटी का एग्जीक्यूशन होता तो एक्सेप्टेबल था, ऐसा मैंने उस वीडियो में मतलब थोड़ा सा डिफाइन किया है कि क्यों ऐसा एक्सेप्टेबल था, बिल्कुल देखिएगा। एंड 1352 के पास से बेहतरीन हिट लगाया और 1361 पूरा का पूरा बहुत बड़ा टारगेट एलटी ने लगाया। एलटी को मैं फिर से ट्रेड करने जा रहा हूँ कल को, वो बिल्कुल बेहतरीन होने वाला है। तो ये बहुत बेहतरीन हिट रही, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 5 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छी हिट रही। लेकिन मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करूंगा एयरटेल में, जो कि मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं लेकिन शायद स्टॉप लॉस टच हुआ है, प्लीज चेक कीजिएगा एक साइड अपनी साइड। तो एक्सेल में एक्सेप्ट कर रहा हूँ एयरटेल में, बाकी 4 ट्रेड बहुत बेहतरीन गई लेकिन पैनिक में मैं भी आ गया था। तो भाई मैंने पैनिक में जब माइंड आ जाता है तो बिल्कुल गलतियां हो जाती हैं, मैंने गलती की, मैंने लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करी रिलायंस की 1482 के पास से, इसमें मैं 3 पॉइंट मिस किया। ये मुझे 1481 या 1489 के पास से, 1489 के पास से एग्जीक्यूट करनी थी और ये एकदम 1484 तक हाई बनाया, देन फेस एसएल। ये बिगेस्ट मिस्टेक मेरी आज की रही कि इतना वॉलेटाइल मार्केट में मुझे पंगा लेना ही नहीं था। इसके अलावा एक बहुत अच्छी ट्रेड में एक्सिस बैंक पर नजर जमाए हुआ था, 741 से मैंने, 743 से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये 745 तक हाई बनाया, उसके बाद अगेन इस लेवल पे ट्रेड करने लगा और मेरी गलती क्या हुई, मैं इसको कंटिन्यू रखा था और मैंने इसके ऊपर अपडेट नहीं किया, तो ये मेरी ट्रेड लॉस में गई। तो ये दो ट्रेड्स बहुत ही मुझे लॉस बोल सकते हैं कि लॉस में मेरी ट्रेड चली गई। सेंचुरी टेक्सटाइल के ऊपर अगर मैं बात करूं, ये भी एक मैंने अटेम्प्ट किया था, हाउएवर ये मुझे लगता नहीं है कि ट्रेड किया गया होगा, क्योंकि जब लेवल दिया गया था मैंने 607 के पास से
ट्रेड करना चाहा था सेल साइड में सेंचुरी टेक्सटाइल में, लेकिन एक हुआ क्या, जैसे मैंने टाइप मैंने ट्रेड शुरू किया 607 से शूट करके 610 611 पहुंच गया, और 608 सा लेवल था, और ये एग्जीक्यूशन नहीं हुआ 608 के नीचे, लेकिन 611 610 के आसपास जब एंट्री लिया अगर किसी ने, तो 613 असल फेस करना पड़ा। ये तीन गलतियां हुई, अदरवाइज बाकी सब बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई थी एंड टाइम पे आके, बड़ा टफ सिचुएशन हो गई थी, सर्वाइवल वाली कंडीशन बड़ी मुश्किल लग रही थी, तो थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स मैंने की, एंड गलती से ही आदमी सीखता है, आगे से ध्यान रखेंगे। और अदरवाइज यूट्यूब्स की सारी हिट्स बेहतरीन रही, बहुत अच्छी हिट्स लगाई, इसी के बारे में क्लोजिंग कर देना था, मार्केट से पंगा लेना ही नहीं था, सबका सब कुछ प्रॉफिट में था, लेकिन दो मिस्टेक्स एक्सिस बैंक और ये रिलायंस जो हुई थोड़ा सा गेम खराब कर गई, अदरवाइज सब कुछ फाइन था। और एक्सपायरी बहुत बेहतरीन जाने वाली है, बड़ी मेहनत के बाद मैं 5 ट्रेड सेलेक्ट करने में कामयाब हुआ हूँ, एंड आई एम श्योर बहुत जबरदस्त ये ट्रेड हिट लगाने वाली है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने वाले हैं कल हम मार्केट से, सिंपली नॉट मच एक्सपेक्टेशन बट बुलिश ट्रेड करेंगे, मतलब बुलिश माइंड में मेरे रहने वाला है फुल टाइम। मार्केट मुझे लग रहा है कि इसी के आसपास रेंज के आसपास घूमता रहेगा, 12180 और 12060 तो ज्यादा लेवल हो जाएगा, 090 12120 इसी के बिटवीन, मुझे इन दो लेवल के बिटवीन मुझे लग रहा है कि मार्केट घूमता रहेगा, और फ्राइडे का मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, अदरवाइज फुल टाइम मैं बुलिश ही जाने वाला हूँ। मेरे पास 2-3 वजह हैं इस बात की, क्यों, क्योंकि स्प्रेड अगर आप चेक करेंगे फेव एफयूटी इंडेक्स का निफ्टी एंड बीएनएफ, और आप इंडेक्स चेक करेंगे तो स्प्रेड बहुत अच्छा पॉजिटिव हो गया है, और जब भी फ्यूचर पॉजिटिव ट्रेड करता है इंडेक्स से, और जितना ज्यादा पॉजिटिव ट्रेड करता है क्लियर इंडिकेट करता है बिग बुल, और इसके उल्टा जाएंगे तो वाइस वर्सा करेंगे तो बिग बियरिश। सो सेंटिमेंट्स हमारे साथ में, चार्टिंग भी हमारे साथ में, लेकिन लॉन्ग फ्रेम पे, शॉर्ट फ्रेम काम नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी ट्रेड, निफ्टी क्लोजिंग 129 दिया है, इसी के आसपास मुझे लग रहा है 140 के आसपास ओपन रहेगा, और 180 तक अटेम्प्ट करेगा और 120 तक अटेम्प्ट करेगा। बैंक निफ्टी 31870 का क्लोजिंग दिया है, 31780 से 31000 के बिटवीन निफ्टी का मूवमेंट, बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखा जा सकता है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड अपनी सेटअप किए। मेरी फर्स्ट ट्रेड है एलटी, एलटी को मैं अगेन ट्रेड करने जा रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग मुझे फीलिंग एलटी दे रहा है, 1369 के ऊपर मेरा फर्स्ट टारगेट है 1370, सेकंड 1389 स्टॉप लॉस में यूज करने जा रहा हूँ 1363। अगर आप बैंक निफ्टी का छोटा फ्रेम देखें तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो खिचड़ी पकड़ी है वो 200 एमए लाइन के आसपास पकड़ी है, मतलब कि क्लियर है कि मार्केट सोच रहा है कि अब एक बड़ा मूवमेंट लिया जाए, कि किधर की साइड लिया जाए ये डिसाइड नहीं हो रहा है, बिल्कुल होने वाला है अगर 200 कंटिन्यूअसली स्टिक है, 200 एमए लाइन से कंटिन्यूअसली स्टिक है, और प्रीवियस अटेम्प्ट जितने भी रहे फेल हुए हैं, 200 एमए लाइन के नीचे ही फेल हुए, बुल के सारे प्रीवियस अटेम्प्ट फेल हुए अपसाइड जाने के, 1 2 3 अटेम्प्ट आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली फेल हुए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार अटेम्प्ट मिलता है तो फेल नहीं होने वाला, और बहुत आराम से 31600 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। कल की मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं एक फ्राइडे की बात कर रहा हूं, और उसके ऊपर फर्दर मूवमेंट डिसाइड हो सकता है। अब जल्दी से स्विच करते हैं एलटी के ऊपर, एलटी बेहतरीन स्थिति में है, 1365 क्लोजिंग दिया है, अपने एक्सट्रीम रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्लोजिंग दिया है, इसके नीचे जाता है हमारा कोई लेन देन इससे रहेगा नहीं, क्योंकि हम इसको 1369 के ऊपर बाय करने जा रहे हैं, जो कि इसके एक्सट्रीम और करंटली डेवलप्ड बॉट एक्सट्रीमली टॉप के ऊपर है, जो कि 1369 है, 1367 है, मैं थोड़ा सा और सेफ होके जा रहा हूँ, 1369 के बस मैं बाइंग लेने जा रहा हूँ, और आराम से मुझे लग रहा है कि 1370 का टारगेट बहुत एलटी को इजीली दे देना चाहिए, तो बड़ा डिपेंडेबल ट्रेड मेरे लिए रहने वाला है, बहुत अच्छा ट्रेड मेरे लिए रहने वाला है, 1370 1389 एलटी से मैं बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास यूपीएल, मल्टीपल अटेम्प्ट यूपीएल किया है, 545 543 के पास, 547 के पास, मल्टीपल रिजेक्शन यहाँ शो किया है, और मुझे अभी लग रहा है कि 541 के नीचे अगर ये मिलता है तो बड़ा अच्छा सा 533 देखा जा सकता है, लेकिन 535 और 537 ये दो टारगेट मेरे माइंड में रहेंगे, डिपेंड करेगा कंडीशन पे, 4-5 पॉइंट्स में यूपीएल से इजीली सेल साइड लेके जाने वाला हूँ, 541 के नीचे सेल करके 535 534। 15 मिनट्स का फ्रेम अगर आप देखेंगे
जैसा मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं मल्टीपल रिजेक्शन इसके 544 के लेवल के पास देखने के लिए मिले हुए हैं, और पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने एक्यूमुलेशन लेवल के नीचे आ चुका है और जो मैजिकल लाइन्स है उनके नीचे आ चुका है। सो चांसेस एक फेयर चांसेस है, 541 के नीचे अगर ट्रेड करता है कंटिन्यूअसली एक बहुत अच्छा फॉल देखने के लिए मिलेगा। 539 के नीचे अगर ये आया 541 से एग्जीक्यूट होके मैं हाफ क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, 539 के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड करा मैं अपनी क्वांटिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ा दूंगा और इजिली 537 का लेवल 537 का लेवल आराम से देखा जा सकता है यूपीएल में। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है मेरे पास कैनरा बैंक, ये हो सकता है गेम चेंजिंग स्क्रिप्ट। 283 के नीचे मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टारगेट 199, सेकंड 198, स्टॉप लॉस में यूज करने जा रहा हूँ माइनस 207। क्लोजिंग दिया है 203.90 और सेम वही लेवल मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा वॉल्यूम डेवलप किया है क्लोजिंग टाइम पे एंड ऑन बैलेंस वॉल्यूम एकदम से अपनी एवरेज लाइन से नीचे कट ऑफ लिया है, शार्प कट ऑफ लिया है और चांसेस लग रहा है कि एक अच्छा सा डाउनफॉल देखा जा सकता है। 203.80 के नीचे कंटिन्यूस मेंटेन करता है, एक बहुत बढ़िया फॉल देखा जा सकता है 199-197 तक के लेवल के लिए। क्लियरली आप चार्ट पर देख सकते हैं फ्रेम्स को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, 30 मिनट्स कर दिया जाए, कंडीशन बिल्कुल सेम है और अपना एक्सट्रीम बॉटम अगर ये ढूंढेगा तो इजिली 199 का लेवल तो देगा ही देगा और 293.80 के नीचे रियली बहुत ज्यादा वीकनेस शो कर रहा है। बहुत बेहतरीन स्किप कैनरा बैंक हो सकती है सेल साइड। एंड अगर नेक्स्ट स्किप की बात करें वो है मेरे पास इंडसन बैंक, इसको भी मैं जीसी लिस्ट में डालूंगा लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है और इसमें शायद री अटेम्प्ट मुझे करना पड़ सकता है। क्यों मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, 1261 के ऊपर मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1269, सेकंड 1271, 1277 भी मेरे माइंड में टारगेट है और 1288 के ऊपर अगर किसी तरह से इंडसन बैंक ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फरवरी में धमाका करने वाला है। 1440 लेवल तो बहुत इजीली 3-4 दिन में गेन कर जाएगा मुझे ऐसा फील हो रहा है। 1261 के ऊपर मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1269, सेकंड 1271। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी कल रहेगी नहीं मार्केट से, क्विकली कट ऑफ करूंगा अपनी ट्रेड्स को और जैसा कि मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपए है तो मेरे माइंड में रहेगा कि मैं 2 से 3 हजार रुपए कैसे भी मार्केट से निकाल के ले जाऊं। उसके बाद कंटिन्यूअसली वॉच करता रहूं कि मार्केट में क्या हो रहा है, अगर कुछ मौका मिले तो बहुत ही माइनर क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूं और मेरे माइंड में रहे कि 1500 तो मुझे लेके ही जाना है, 500 रुपए का रिस्क ही मैं लूंगा। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ और ट्रिकी कैसे होने वाला है, इंस्टेंट बैंक 1261 के ऊपर एग्जीक्यूट होता है बिल्कुल टारगेट तक जाएगा और टारगेट हिट करेगा लेकिन नहीं होता है अपसाइड में आके, डाउन साइड में आकर एसएल को टच करता है 1255 को, कोई बात नहीं 6 पॉइंट्स का लॉस हो गया, मैं इसको नीचे जाने दूंगा। मैं इसमें री अटेम्प्ट कब करूंगा, मैं इसमें री अटेम्प्ट करूंगा अगर ये 1254 गया 1253 गया, जाने दीजिए मुझे री अटेम्प्ट करना ही नहीं है, ये है मेरा लेवल 1257, ये मेरा पॉइंट है। नीचे जा रहा है कोई मतलब नहीं है, ऊपर आना शुरू करा, ऊपर आना शुरू करा, ऊपर आना शुरू करा, 1257 आ गया और इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेड करना शुरू कर दिया, 1257 के ऊपर थोड़ा सा एक दो कैंडल्स मेंटेन कर लिया, मैं अगेन एंट्री करूंगा 1257 से। अब क्या स्टॉप लॉस में यूज करने जा रहा हूँ 1253 और ये टारगेट शूट करेगा 1279 तक, पूरी पॉसिबिलिटीज है, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, इसी स्ट्रैटेजी पे मैं बैंक पे कल काम करने जा रहा हूँ। इंडसइंड बैंक को अगर रिव्यू करें तो आप देखेंगे कि अच्छा अटेम्प्ट किया था बाय साइड में लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे प्रेशर के साथ में अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसने सेलिंग सिग्नल दे दिया या बोल सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो एक ये बोल सकते हैं कि ये सेल साइड का भी इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव साइड में लिया जाए और क्विकली ये टर्न अप लेके, और मुझे पॉसिबिलिटीज ज्यादा लग रही है क्योंकि टर्न अप लेगा, बहुत अच्छा ओपनिंग के टाइम पे बहुत अच्छा वॉल्यूम इसने डेवलप किया है इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। सो टर्न अप लेके अगर 1261 के ऊपर आ जाता है, 1261 के ऊपर ऑलमोस्ट मुझे ओपनिंग 1257 तक मिलनी चाहिए, अगर मुझे पहले अटेम्प्ट में 1257 लेवल मिल रहा है मैं बिल्कुल ट्रेड करूंगा, 1261 मुझे मिल रहा है बहुत बेहतरीन स्थिति में हो जाएगा और मैं इसको बिल्कुल बाय साइड एग्जीक्यूट करूंगा और इजिली ये मुझे एटलीस्ट 1269-1271 का टारगेट तो देने वाला है। क्योंकि प्रीवियस अगर आप लाइन को कंसिडर करेंगे, बॉटम्स लाइन को या प्रीवियस रेसिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो बड़ा शार्प इसने पुल बैक किया था अपने रेजिस्टेंस से 1251 के पास से, सेम उम्मीद मुझे भी है लेकिन नीचे जाएगा तो हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। 1257-1261 के ऊपर ही मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, मल्टीपल रिजेक्शन आपको इंसेंट बैंक में देखने के लिए मिल रहे हैं
और बिल्कुल चांसेस हैं रिजेक्शन शो करेगा, लेकिन जो हमारा पहला टारगेट है आराम से 1271 1272 मिल जाना चाहिए। 1270 के ऊपर ह्यूज वॉल्यूम बाय साइड में डेवलप हो सकता है इंडसइंड बैंक में, जो कि इसको शिफ्ट करेगा इसके एक्सट्रीम एक्युमुलेशन लेवल में जो कि है 1300 के आसपास। और ये लेवल बहुत इजीली दिखाई जा सकता है, फ्राइडे को भी एक ही दिन में आ सकता है, बहुत इजीली ये लेवल देखने के लिए इंडसइंड बैंक में मिल सकता है। तो इंडसइंड बैंक हो सकता है गेम चेंजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है मेरे पास ट्रेड इन्फोसिस। इन्फोसिस से भी मुझे बड़ी अच्छी आशाएं लग रही है, 790 के ऊपर मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन स्थिति में टेक्निकली मुझे दिखाई दे रहा है। 797 799 मेरे दो टारगेट होने वाले हैं, स्टॉप लॉस मैं यूज करने जा रहा हूँ 784। फिफ्टीन मिनट्स के चार्ट में कंटिन्यू क्लियरली देख सकते हैं एक बहुत अच्छा था एक्युमुलेशन बॉक्स कंजेशन बॉक्स बनाया, बहुत तेजी से शिफ्ट किया उस बॉक्स के अंदर, उसके बाद रिजेक्शन भी बहुत तेजी से दिखाया और कंटिन्यूअसली लाइन के अंदर इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया। लेकिन क्लोजिंग पे आप गौर करेंगे जबरदस्त वॉल्यूम जनरेट किया, ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने बहुत ही तेजी से अपनी मेरी मीडियन हार्ट लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। आरएसआई बहुत बेहतरीन स्थिति में है, एडीएक्स तो सभी बोल सकते हैं कि एडीएक्स को भी इग्नोर किया जाए, और ऑफ कोर्स इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि एडीएक्स सिर्फ ट्रेंड जनरेट करता है कि किस ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन एक्सपायरी है मार्केट दोनों साइड भाग रहा है तो ऑफ कोर्स एडीएक्स वर्क नहीं करेगा। एडीएक्स कोई भी ट्रेंड शो नहीं कर रहा क्योंकि ट्रेंड है ही नहीं एक्जैक्टली, ट्रेंड होगा तभी तो शो करेगा। तो एडीएक्स ऑलमोस्ट सारी फॉल्स रीडिंग शो कर रहा है, एडीएक्स को मैं इग्नोर करूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सारे इंडिकेटर्स मेरे सपोर्ट में, कैंडल्स मेरे सपोर्ट में, बहुत बेहतरीन स्थिति में है। सेम कंजेशन बॉक्स से आउटसाइड जाने की पूरी तैयारी है, 790 के ऊपर आराम से 796 797 का लेवल लेके जाएंगे, और वही मेरा टारगेट रहने वाला है 7 से 8 पॉइंट। इन्फोसिस मुझे बहुत इजीली बहुत बेहतरीन तरीके से देने वाला है। सो ये मेरी 5 स्क्रिप्ट जो कि कल बिल्कुल हंगामा करने वाली है, और मैं स्टिक रहूंगा इन स्क्रिप्ट पे, कल बिल्कुल भी मैं आज की तरह पंगा नहीं लेने वाला मार्केट से, मैंने गलती की है मैं एडमिट करता हूं, और मैं बिल्कुल सीखूंगा इस बात से जो मैंने आज गलतियां की हैं। बिल्कुल भी जब भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स अगर आपके फेल जा रहे हैं बिल्कुल स्टे काम हो जाइए, कुछ ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट मिल गया जितना उतने में सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैं अपनी सिर्फ इन 5 स्क्रिप्ट पे फोकस करने वाला हूं, इसके अलावा मैं माइनरली ही कोई एक आध स्क्रिप्ट को एनालाइज करूंगा, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी पंगा नहीं लेने वाला हूं। एलटी बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, बाय साइड में यूपीएल बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, कैनरा बैंक गेम चेंजिंग स्क्रिप्ट हो सकती है, इंडियन बैंक पूरी स्ट्रेटेजी से ट्रेड करना है इसको, इन्फोसिस भी गेम चेंजिंग स्क्रिप्ट हो सकती है। एंड अगर आप कनेक्ट नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए, कंटिन्यूअसली मैं वहां अपडेट कर सकता हूँ न्यूज से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड न्यूज, एवरीथिंग इन चार्ट, इन ट्रेड से अलग चार्टिंग न्यूज, एवरीथिंग नॉलेज सब कुछ मैं अपडेट करता रहता हूँ। एक और बहुत अच्छी न्यूज मेरे पास है जो कि मार्केट को बोल सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रही है कि बुलिश सिग्नल देखा जा सकता है, वो न्यूज ये है कि शायद कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन रेडी हो गया, तो ये बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है। मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर सकता लेकिन मैंने पढ़ा है, और शायद जल्दी ही इस बारे में मतलब क्लियरली मीडिया में न्यूज आने वाली है, लेकिन जैसा मैंने स्टडी किया तो मुझे लग रहा है और ये बहुत बड़ा न्यूज हो सकता है बुल मार्केट के लिए। सो प्लीज बने रहिए गेम चेंजर्स के साथ में, ज्वाइन कर सकते हैं आप चैनल इजीली गेम चेंजर्स टी टाइप करके, ट्रेडिंग जीरो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेडिंग जीरो टाइप करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर थर्सडे, थ्रिलिंग थर्सडे होने वाला है कल का। फ्राइडे के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी है, जोरदार तैयारी है, फ्राइडे बैंक कर देंगे, बहुत बेहतरीन हिट्स लगाएंगे, और बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।